भारतको उस्काइबाकु पाकिस्तान राव एक निंदनीय कार्य बिना सूचना रे सतलेज नदी रे पानी छड़िला पाकिस्तान फळरे पंजाब रो फिरोजपुर अंचल रे बन्या सृष्टि होछि प्राय 17 टी गां प्रभावित होछि पाकिस्तान द्वारा सतलेज नदी रा जल प्रवाह को नियंत्रण करा जाउछि तबे पाकिस्तान पटु एकाथर के बहुमात्रा रे पानी छाड़ी दिया जिवारु नईकुलिया अंचल रे बन्या सृष्टि होछि बन्या रे फसरे हितबा लोकन को उद्धार पई सेना व एनडीआरएफ टीम नियोजित होइछन्ति इंजन चालित बोट द्वारा मध्य लोकों को उद्धार कर जाउची पंजाब रो बन्या विपन्नक से आलोचना करिसंती न्यूज 18 प्रतिनिधि सूरज भान के पानी ने किस तरह तबाही मचाई है आप सीधी तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरह तबाही का मंजर आपको नजर आ रहा है इस सड़क देख रहे हो आप सीधी सड़क पूरी की पूरी सड़क है जेडी बाढ़ के पानी से टूट चुकी है एक गाँव का दूसरे गाँव से संपर्क बिल्कुल टूट गया है और लोगों को मजबूरी में ऐसे ही इस पानी को पार करके आना पड़ता है आप सीधे देख सकते हो तस्वीरों में के लोग इस पानी को पैदल ही पार कर रहे हैं हालांकि यहां पे एनडीआरएफ की बोट होनी चाहिए थी और प्रशासन की किश्ती वगैरह होनी चाहिए थी लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहां पे नहीं है और सीधे आप देख सकते हो किस तरह लोग इस पानी को पार कर रहे हैं पानी का बहाव भी काफ़ी तेज है और कहीं ना कहीं किसी वक्त भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है दूसरा पहलू इसका दिखाना चाहूँगा कि मेरे पिछली ओर जो लोग खड़े हुए हैं वो राहत सामग्री लेके आए हैं लेकिन हालात ये हैं कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली आगे नहीं जा सकती क्योंकि सड़क है सड़क पूरी की पूरी टूटी हुई है आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी गिनती में ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये लोग उन लोगों तक राशन लेके आए हैं जो राशन उन लोगों तक पहुँचना चाहिए लेकिन राशन वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है क्योंकि राशन पीछे ट्रॉलियों में खड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ी गिनती में इस तरह के लोग हैं जो समाजसेवी जथेबंदियों के लोग हैं वो इस तरह का राशन लेके गाँव में पहुँच रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि ये राशन बाँटने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है किश्ती वगैरह नहीं है जाहिर तौर पर मुश्किलें हैं लोगों की काफ़ी बड़ी हुई हैं और लोग किस हालात में यहाँ पर जी रहे हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से यहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं की जा रही तो तमाम तरह की मुश्किलें इन मुश्किलों को लेकर लोगों कैसे दो चार होना पड़ता है राशन आ गया जी आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है मुश्किलें कितनी आ रही हैं बहुत मुश्किलें आ रही हैं जी इधर सरकार का तो कोई इंतजाम है ही नहीं ना जो सरकार बेड़े बड़े लाती हो भी इस टाइम जहाँ नहीं है नंगने के लिए लेके जाने के लिए राशन अभी तो पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे लोग अच्छा आप कहाँ से आए हो यहाँ पे पहुँचे हो आगे रास्ता नहीं जाने के लिए हम मोगा जिले के पास पिंड लंगेना बागा पुराना शहर है कोई रास्ता नहीं दिख रहा किस तरह का सामान है जो खाने पीने का सामान आप लेके आए हो लेकिन प्रशासन की ओर से कोई एफर्ट नहीं की जा रही कोई एफर्ट नहीं राशन तो पूरा है आटा घी है दाल है अचार है सब्जियां सब कुछ है पर आगे जाने के कोई रास्ता नहीं सुखा राशन सब हम सुखा राशन जमा लेके आए ताकि काम आ सके जे दूजा लगा दाला खराब हो जाएगा की फायदा एक दिन चाहे छाक नहीं सकता बंदा सुखा लेके आता राशन सारा पैकिंग करके लिया भी आ भी उस हिसाब से सारे घर वंडे जाए कोई रह ना जाए घर और दो ट्रालियां खड़िया खड़ेंगा जी आप देख सकते हो तस्वीरों में ये लोग कह रहे हैं कि जो राशन है उनके पास है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ये पूरा राशन पैक है लेकिन मजबूरी इनकी यही है कि आगे राशन नहीं जा सकता यहाँ पर कोई किश्ती प्रशासन की ओर से नहीं है तो जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बड़ी हुई है कैमरा मैन राजेश के साथ सूरज भान न्यूज 18 पंजाब फिरोजपुर सेपटे पंजाब जलंधर में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि अनेक गाँ एवं बन्या घेर से सरकार परिस्थिति अनुध्यान करिछन्ति आम प्रतिनिधि नापिंदर बाढ़ के चलते आखिर लोग किस तरह से प्रभावित हुए हैं कितने दुख तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्या नाम है जी आपका रणजोत सिंह पड्डा मैं सबका सरपंच पिंड वाड़ा जोत सिंह जो सामने पिंड दशहरा गाँव पानी में डूबा हुआ है इसी पिंड का सबका सरपंच हूँ अच्छा आपका गांव ये पीछे जो पानी में डूबा है वही है तो किस तरह के हालात है पानी कितना क्योंकि पिछले आज आई थिंक 9 दिन हो चुके हैं 9 दिन में कितनी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा और कितना पानी अभी भी है पानी अभी भी खेतों में तो 10-10 फुट 8-8 फुट पानी है अभी भी तो गाँव से पानी बाहर निकला है पानी थोड़ा कम होया अभी बाहर आ गया है पर अब मुश्किलें शुरू हो गई हैं पानी का मुश्क आना शुरू हो गया बीमारियाँ फैलनिया शुरू हो गई ये खारिश भी शुरू हो गई है पहुँए तो चारे की कोई तंगी नहीं क्योंकि लोगों ने सेवा लो कोई कसर नहीं रखी पर सरकार ने कोई एडी खास बाँह नहीं फड़ी इस हल्के की इस हल्के साडे पिंड कैप्टन साहब आप भी आए पर उन्होंने लोकल किसी आदमी ना गलबात करने की भी जहमत नहीं उठाई किस तरह की दिक्कत है जैसे इन्होंने बताया कि फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है तो अभी क्योंकि बीमारी को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता बनी हुई है कि लोग बीमार हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि स्मेल बड़ी यहाँ पे आ रही है पानी में मवेशी मरे हुए हैं तो डॉक्टरी सहायता आप लोगों को मिल रही है क्या प्रशासन अभी जगह है या फिर समाजसेवी संस्थाएं लगी हुई हैं
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਦਦ ਹਾਲੇ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੰਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਤੀ ਥੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਔਰ ਐਸੇ ਮੇਂ ਇਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਾ ਤੋ ਮਹਿਜ਼ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੋ ਸੇ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਕਾ ਹੋ, ਵੋ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਭੀ ਨੇ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਔਰ ਅਭੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੋ ਐਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਏ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕੋ ਸੇ ਨਾ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਯੇ ਕਹਤੇ ਕਿ ਹਮੇਂ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤਬ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਸਭੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਸਾਥ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ।